रिमझिम बारिश के साथ दूसरे दिन आयोजित हुआ सनातन प्रतिभा फाउंडेशन का निशुल्क आयुष्मान कार्ड कैंप। अंबेडकर धर्मशाला भदेसी रोड अलीगढ़ में निशुल्क आयुष्मान कार्ड के 3 दिवसीय कैंप के दूसरे दिन सनातन प्रतिभा फाउंडेशन द्वारा लगभग 150 लोगों को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं आयुष्मान कार्ड एवं लेबर कार्ड के बारे में जागरूक किया गया और साथ ही निशुल्क श्रीमद् भागवत गीता का वितरण भी किया गया। कैंप के द्वितीय दिवस 37 आयुष्मान कार्ड एवं 42 लेबर कार्ड बनाए गए। निशुल्क आयुष्मान कार्ड के पंजीकरण का कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पला रोड के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशु सक्सेना की टीम, कुमारी मनोज, जितेंद्र कुमार, विजय भूषण शुक्ला, शशि, मुकेश देवी, सुधा, सुनीता ने किया। लेबर कार्ड का पंजीकरण आयुष्मान कार्ड और ई श्रम कार्ड और साथ ही लेबर कार्ड का यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जितने भी मन में रहने वाले लोग हैं, तो हमारी संस्था का यह प्रयास है कि उन तक सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं पहुँचे। और क्योंकि बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं, हमारा यही प्रयास है कि हमारी संस्था के द्वारा उनके क्षेत्र में पहुँच के इस तरीके के कार्य किए। जितने लोग कल हुआ था उसमें कल के कैंप में लगभग 53 आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे और 23 लेबर कार्ड बने थे, साथ ही साथ ई श्रम कार्ड बने थे। लगभग 300 लोगों को हमने जानकारी यहाँ पे दी थी कि आपके पास अगर डिटेल नहीं है तो किस तरीके से आप आयुष्मान कार्ड, लेबर कार्ड आदि बना सकते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक चलता है ये? सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलता है। अभी कल भी चलेगा, आज भी चल रहा है। ये जिस जगह पे बनाया जा रहा है इसका क्या एड्रेस है? ये अम्बेडकर धर्मशाला है जो कि भदेसी रोड का पड़ती है अलीगढ़ और यहाँ पे ही बन रहे हैं। जिन लोगों को बनाना है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके आएंगे? कुछ खास नहीं है, अगर आयुष्मान कार्ड कोई बनवाना चाह रहा है तो आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद मोबाइल होना चाहिए, साथ ही जो 2011 की जनगणना की लिस्ट है उसमें उनका नाम होना चाहिए। ऐसे लेबर कार्ड के लिए भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट में कोई ज़्यादा खास डॉक्यूमेंट नहीं। आज की लगभग 10 आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, ऐसे ही लगभग 15 लेबर कार्ड बन चुके हैं। ई श्रम कार्ड वाले अभी थोड़ी देर बाद।